चलिए, एक और सवाल डाउट में था, कह रहे हैं बच्चे के सर इसका प्रॉफिट गलत आ रहा है, कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज मेथड कहते हैं द बुक्स वैल्यू, बुक वैल्यू, जहां बुक वैल्यू बोलता है ना हमारे अलर्ट हो जाना चाहिए माइंड, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 1/1/2018, यानी सर 1/1/2018 पुरानी मशीनरी है सर, ये ओल्ड मशीनरी है, और सर पुरानी मशीनरी बुक वैल्यू से पता चल गया कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का परचेज तो नहीं बोला, और न्यू मशीनरी 10,000 रुपए का परचेज 1/10/2018, यानी सर कुछ दिनों के बाद 1/10/2018 को क्या खरीदा सर इसने, M2 खरीदा, M2 कितने का सर, 20,000, 10,000 का, कितने का, 10,000 का, और आगे कहता है परचेज एंड 20,000 रुपए 1/7/2019 को, अब ओके एक और खरीद लिया 1/7/2019 को सर M3, सर 20,000 का M3, देखो मशीनरी खरीदते जा रहे हैं, 1/4/2020 को मशीनरी हुज बुक वैल्यू 30,000 रुपए ऑन 1/1/2018, यानी सर इसके दो हिस्से होंगे, इसके दो हिस्से होंगे, इसके अंदर की बात कर रहा है ये, इसमें से एक हिस्सा जो जुड़ा हुआ है सर कितने रुपए का, कहता है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, सॉरी मशीन हुज बुक वैल्यू 30,000 ऑन 1/1/18 सोल्ड 16,000, यानी सर 1/4/2020 में इसको बेच दिया गया, यानी सर इसमें से कितनी पार्ट अलग कर ले सर, 30,000 को अलग कर ले, और इधर कितना आ गया सर 1/70, ये वाला हिस्सा बिकने वाला है, ध्यान रखिए ये वाला हिस्सा बिकने वाला है और ये वाला नहीं बिकेगा, तो सर ये वाला हिस्सा कितने का बेच दोगे आप, तो ये वाला हिस्सा मैं बड़े सस्ता बेच रहा हूं, और कितने का बेच रहा हूं, 16,000 रुपए का बेच दूंगा सर, किस तारीख को बेचोगे, 1/4/20 को, 1/4/20 को, यानी 1/4/20 जैसे आएगा इसको हम बेच के रफा दफा करेंगे। आगे कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम सिंस 2018 ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो भैया स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां स्ट्रेट लाइन मेथड होता है थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि भैया आसान है, अब इट वॉज डिसाइड 2020 डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड शुड बी चेंज विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो सर प्रोस्पेक्टिव ही होता है, अब तो रिट्रोस्पेक्टिव बचा नहीं, ऑन द ओकेशन ऑफ चेंज द मेथड, सॉरी ऑन द ओकेशन ऑफ चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट फील टू नीड टू बी रिव्यू यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डिसाइड चार्ज डेप्रिसिएशन आपका प्रोस्पेक्टिवली सो द प्लांट एंड मशीनरी इस डेट का निकालना, तो भैया बाद वाली जो बातें करी ना वो मैनेजमेंट की मन की बात बता रहा है, तो हमें उसकी मन की बात की क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन करना है, तो फटाफट से देखिए ये वाला मशीनरी बिक गया और कोई मशीनरी नहीं बिका, यानी डेप्रिसिएशन लगेगा सर, अब ईयर क्या 31/12, तो यानी 31/12/2018 रेट पहले क्या लग रहा था सर 10%, 20 में चेंजेस किया इसने 10% SLM, बहुत आसान सवाल, 27,000 10% एक नहीं, हाँ ये मैंने ज्यादा लिख दिया, 3,000 होगा ना, अब 1/1/2019 ये वैल्यू आ गया, 1/1/2019 को ये वैल्यू आ गया हमारा, ये जो वैल्यू है वो है 1/1/2019 को, फिर से आएगा 31/12/2019 कितने का डेप सर, फिर से 3,000, बच गया हमारा 24,000, और ये आएगा 1/1/2020 और बेचा कब है 1/4, 4 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 3 महीने का, तो 1/4/2020 तक का डेप्रिसिएशन सर कैसे निकालोगे, अब यहां पे चेंज हो चुका है मेथड, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां पे मैनेजमेंट ने क्या करा है, चेंज कर दिया है, अब ध्यान, अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, सुन लो आप जो भी बच्चे हैं जो भी इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं, अब ध्यान रखना, अब डिसीजन जो भी लिया जाता है भले ही साल के शुरू में लिया जाता है लेकिन इंप्लीमेंट साल के लास्ट में होता है, इस बात का ध्यान रखना, इंप्लीमेंट कब होता है, साल के लास्ट में, यानी सर मैनेजमेंट ने इस दिन फैसला किया कि हम डेप्रिसिएशन बदलेंगे, तो सारे एसेट्स तो आपका इस दिन एंड में इकट्ठा होगा ना, तो डेप्रिसिएशन तो इस टाइम लगाना चालू करेंगे, इन केस कोई भी मशीनरी यहां बिक जाता है, अगर कोई मशीनरी यहां बिक जाता है तो उसको क्या करना है, हमें
डेप्रिसिएशन तो लगाना है, लेकिन कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पे? WDV या SLM? बताइए। WDV के SLM। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपने फैसला लिया कि इस साल हम डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चेंज कब होगा आपका? इस डेट पे। एक चीज और इसमें एड ऑन करना चाहूंगा पॉइंट को, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इन केस कोई भी एसेट्स अगर साल के बीच में बिकता है तो उस पे चेंज मेथड अप्लाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई भी एसेट्स साल के बीच में बिक जाएगा तो उस पे चेंज मेथड अप्लाई, क्योंकि सर आप हमारा अकाउंटेंट इस दिन डेप लगाएगा, इस टाइम भी लगाएगा, लेकिन इस टाइम पे पुराने वाले डेप लगा के क्या कर देगा वो सर, हटा देगा। और वैसे भी इसने बोला कि इट वॉज डिसाइडेड, कहीं तो नहीं बोला 1 जनवरी को, कहां बोला 1 जनवरी को, कहीं बोल रहा है क्या 1 जनवरी को डिसाइड किया इसने? 2020 तो 31 दिसंबर को डिसाइड किया, बात ही खत्म कर दिया मैंने, समझ रहे हो बात? क्लियर है ना आपको? अगर बोलता 1 जनवरी तब तो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है, तो सर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो डेप्रिसिएशन लगेगा किससे? इस वजह से शायद कुछ बच्चों का आंसर गलत आ सकता है, तो ये लगेगा हमारा 24,000 इंटू में 10/100 इंटू में 3/12। बताइए फटाफट क्या आया, कितने? 600। ये आ गया सर 23,400। सही से निकाल लो क्या आता है, 4 30 4 तो नहीं है, 30 4 तो नहीं है भैया, बेचा कब है? 4 महीने का निकालने क्या आता है, 4 महीने का निकालो, शायद डेट एरर हो, 4 महीने का 800। और 3 महीने का आ रहा है आपका, और 20% तो लगेगा ही नहीं, खैर चलो यही आ रहा है बुक में, क्या आ रहा है छोड़िए आप, माइनस बैंक से सोल्ड, कितने का बेचा, लॉस बताइए, लॉस 7,000। तो इसका लॉस ये लेना है आपने, पहला पॉइंट देख लीजिए, जिन बच्चे का डाउट आ रहा था आपका क्या आ रहा था लॉस, 6,800 यहाँ पे। अब बुक का WDV से तो आएगा ही नहीं ना, अब बुक का क्या है? हाँ तो नहीं, WDV तो वैसे भी लगना नहीं है, हाँ ऑनर्स में नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगली क्लास से सारे मैं बस निपटा दूंगा, बस अगली क्लास में ना सबका। चलिए इस पे डैप लगाएं सर, 31/12, 31/12 को कितने डैप, 17,000 माइनस करेंगे 1,53,000, 31/12 के बाद ये डेट आ गया 1/1/2019, फिर से लगेगा 31/12/2019, 17,000 कितने बचे, 1,36,000 रुपए। अब ये आ गया 1/4/2020, अब लगेगा 31/12/2020, अब लगेगा कौन सा मेथड, WDV, तो 26/27/200, अब माइनस कर लीजिए, ये थोड़ा इधर हो गया, इसको इधर कर देते हैं, ये थोड़ा इधर कर देते हैं, ये देख लीजिएगा कितने हो गए, 1,88,000। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ 1,08,000, 8,800, ओके। ठीक है, M2 की बात करते हैं सर, 31/12/2018 सर 10,000 है, 10% के हिसाब से 500 बचे 9,500, इस नहीं 3 महीने लगेगा, 250, 3 महीने लगेंगे 250, और बचे कितने, 97, अब 1/1/19, 31/12/19
1000 SLM है, 8750, 1/1/2020, 31/12/2020 WDV है 1750, माइनस करके 7000 रुपये। M3 31/12/2019, सर ये लगेगा 6 महीने का, 1000 बचा 19000। 1/1/2020 और 31/12/2020 को तो डिसाइड हो गया 950, 3800। अब कितने आएंगे, 15200। तो सर ये आंसर है इसका। कुछ बच्चे लॉस के लिए कह रहे हैं, हो सकता है मे भी कुछ एरर रहा हो बुक के अंदर, तो इसका आंसर ये है। क्या इसकी पोस्टिंग कर पाएंगे आप? कर लेंगे ये क्वेश्चन, बताइए पोस्टिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर कोई मशीनरी बीच में बिक रहा हो तो उस पे चेंज मेथड का इम्पैक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज करता है साल के एंड में। और कोई सवाल डाउट में बताइए। अभी इसमें ना दो मेथड और रह गए हैं, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक आपका रिवाइज वैल्यू, जब एसेट्स का वैल्यू चेंज कर देगा। मैनेजमेंट बोलेगा भैया 2 का खरीदा था ना, आप 1.5 का कर दो इसको। तो दो मेथड्स रह गए हैं इसमें। अभी बताइए इसमें कोई डाउट, और कोई सवाल जो दिए थे उसमें डाउट बताइए फटाफट। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपने करना है पोस्टिंग। सर यहां आपने मेथड चेंज, बिल्कुल मेथड चेंज हो गया है। मैं चेंज मेथड कहां से हुआ बताऊं, ये रहा मेथड चेंज लाल, जो ये रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ना आपके लिए, ये मेथड चेंज है। चलिए अब रहा ये, यहां मेथड चेंज नहीं किया क्योंकि 10% ही लगाया, स्टार्टिंग में हमारा 10% ही लग रहा था 2018 से। कौन से? क्योंकि मैनेजमेंट ने दिसंबर 20 में डिसीजन लिया है और मशीनरी दिसंबर 20 से पहले ही बिक गया है। तो जब मशीनरी बिक चुका है, जब फैसला लेंगे और उससे पहले जो काम हो जाएगा तो पुराने तरीके से फैसला लिया गया होगा ना, और फैसला लेने के बाद अगर वो काम होगा तो वो नए तरीके से होगा, क्योंकि यहां पे डेट एग्जिस्ट नहीं है और लॉ भी यही कहता है कि भैया उसको आप पुराने मेथड से बेच के निकाल दो आप।